जय हिंद दोस्तों, ये फ़ोटो पिछले कुछ दिनों से फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के जो पशु प्रेमियों के ग्रुप हैं उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रखी थी। इस फ़ोटो के पीछे की जो सच्चाई है, इस बच्ची का जो दुख है, वो आपको हमारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस बच्ची का ट्रीटमेंट कैसे हुआ, इसका रेस्क्यू कैसे हुआ, कहां से किया और कहां इसे छोड़ा गया, ये बच्ची सही हुई या नहीं हुई, ये सब आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इसकी पल पल की अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो अभी फ़िलहाल ये बच्ची इस वीडियो में है कि तलवंडी साबू गुरुकाशी कॉलेज है रामा रोड के ऊपर, तो वहाँ पर ये बच्ची है जो कि एक बहुत बड़े ट्यूमर से पीड़ित है, बहुत ज़्यादा पेन में है, चलने में, उठने में, बैठने में, हर चीज़ में इस बच्ची को बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी इस बच्ची को जो भी इसका इलाज का है, इसके रेस्क्यू का है, वो सारा मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसी वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। जय हिंद दोस्तों, टीम एनिमल बर्ड्स वेलफेयर सिरसा हरियाणा से। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक उमरा गांव जो हांसी के पास में है, वहां से एक बिच को रेस्क्यू किया था, जिसके कि बहुत बड़ा ट्यूमर था और लीवर के बिल्कुल ऊपर वो ट्यूमर था। बट उसकी जो सर्जरी थी वो बहुत अच्छी होगी, आपकी ब्लेसिंग, आपकी डोनेशन, तो काम आई आई, साथ में डॉक्टर साहब की मेहनत और हमने जो रख रखाव किया उसका, तो उससे वो बच्ची बिल्कुल फिट एंड फाइन होके अपने उसी जगह पर वापस चली गई पूरे एक महीने बाद। परंतु दोस्तों, उसी के ठीक तकरीबन ये लगा लीजिए आप हफ्ता या 10 दिन, तो हमें एक और कॉल आता है सिरसा के ही पास में, वैसे तो तकरीबन पड़ जाता है 100 किलोमीटर के आसपास, तलवंडी साबो पंजाब में है। तो सिरसा से तलवंडी साबो में एक केस आता है ठीक वैसा ही, जिसमें कि ट्यूमर है, ट्यूमर काफ़ी बड़ा है, जितना बोरी के ट्यूमर था उससे भी काफ़ी बड़ा है, और हम उसे लेने जा रहे हैं अभी, तो रास्ते में है। आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि जैसे आपने भूरी के टाइम में हमें सपोर्ट किया था, ठीक उसी प्रकार से इस बच्ची के लिए भी आप बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करेंगे। और जैसे ही मैं बच्ची को रेस्क्यू करता हूँ, इसी वीडियो में आप देखेंगे उस बच्ची की क्या कंडीशन है, क्या हालात है, उसके बाद में उसके जो ब्लड टेस्ट होंगे, लीवर टेस्ट, किडनी टेस्ट, जो भी उसके नेसेसरी टेस्ट होंगे हम सभी करवाएंगे। उसके बाद जैसे डॉक्टर साहब कहेंगे कि इसे ये एंटीबायोटिक चलाने हैं या इस दिन सर्जरी होगी, तो हम सब वैसे ही फॉलो करेंगे और आपको रेगुलर अपडेट्स हैं वो देते रहेंगे। तो बने रहिए टीम एनिमल बर्ड्स वेलफेयर के साथ। तो हम जा रहे हैं अभी उस बच्ची को लेने के लिए। जय हिंद। कमलजीत भाई, गोल्डी भाई से पिक कर लिया है, बच्ची को एम्बुलेंस में बिठा दिया गया है। इसकी एक समस्या यह बताई है उन्होंने कि यह अग्रेसिव है, थोड़ी अग्रेसिव इन द सेंस कि ट्यूमर इसका नीचे टच होते हैं उस तरह से नहीं, आप सोच सकते हैं इसकी लेग्स कितनी बड़ी होगी जो काटते और ये ट्यूमर नीचे टच हो रहा है, पीछे देखो कहां तक है, अपना भरोसा जताना शुरू किया पेट तक और आगे देखो कितना निकला हुआ है। अगर इसकी सर्जरी होती है, अभी ये बच्ची सेमी हुई है, हम ये सोच रहे हैं हमारे पे थोड़ा हमें रेगुलर इसके जो एंटीबायोटिक चलवाने हैं, बेटाडीन से इसके जो वुंड है उसको क्लीन करना है डेली, मतलब 3 से 4 बार तो क्लीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा ट्यूमर है ना। आप देख सकते हो ये सो रही है, अभी खड़ी होगी, तो ये देखिए चल रही है, तो
तो कितना बड़ा ट्यूमर होगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मतलब नॉर्मल बिच नहीं है, ये काफ़ी बड़ी बिच है जो अपने स्ट्रे बिच होती हैं, तो उनसे बड़ी बिच है काफ़ी। तो बच्ची अभी सर्जरी के लिए निकल रही है, कल का कोई दिक्कत आ जाएगी आपका नाम लगा। सर्जरी से पहले इसकी शेविंग हुई है, अभी बस भगवान भला करे बच्ची का। सर्जरी हो चुकी है, स्टिकर इसलिए लगाए हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाली चीज़ है जो अंदर से इसके निकली है। उसके बाद में हमारी जो जिम्मेवारी है वो शुरू होती है, डेली इसके जख्मों को, डेली इसके वुंड को क्लीन करना, मतलब रात को भी उठ उठ के देखना, दिन में भी सारा दिन इसके ऊपर नज़र रखना, इसको अलग केज में करके पानी पिलाना, इसको पानी पिलाने के बाद उस पानी को उठा लेना ताकि ये कोई पंजे वगैरह मार के पानी खिंडा कर उस पर लेट ना जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो इस बच्ची को बचाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बच्ची का जो ट्यूमर है ना वो बिल्कुल हार्ट के ऊपर है। हार्ट मतलब जब सर्जरी हुई है डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इसके जो ट्यूमर है वो हार्ट के बिल्कुल ऊपर है, तो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी ड्यूरिंग सर्जरी। ये लग रहा था कि भगवान किसी भी तरह इस बच्ची को बचा ले। तो दोस्तों हम आ गए हैं, आ जा। हाँ वही है बस सेम जगह। ये जाऊगी अंदर ही, होगी पूछ ऊपर, ऐसे तो मेरे जानते भी होगी इन्हों यार, कोलज कोलज वाले गार्ड। हाँ वो पता है इन्हू है ना, हाँ गार्ड अंदर जान देंगे कुत्ते नू। अच्छा वो गई हुई अंदर, हाँ कॉलेज दे कॉलेज वाले ने रोकया भी नहीं है ना अंदर जान तो, नहीं तो कॉलेज वगैरह जो मना करते होंगे है। होगी जी वधिया, पूरी चंगी होगी। किधर गई है, इधर बढ़ गई, चलो बैठे रहन गई अंदर ए। चलो सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम कमलजीत सिंह, तो जो जानवर तुम्हें फोटो के देखा है ये गुरु का श्री कॉलेज रवंडी साबो के रेस्क्यू किया गया सी। एक तो बाद साडा बठिंडे ट्रीटमेंट ना होने करके भाई जसपाल जी ने गल हुई, तो बाकी सारा इलाज भाई जसपाल जी वालों किया गया। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਿਤੀ ਤਰੀਕ ਕਿੰਨੀ, ਅੱਜ 19 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, 19 ਸਤੰਬਰ 1-2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ 19 ਸਤੰਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਜਸਪਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਕੋ ਹਮਾਰਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕੈਸਾ ਲਗਾ, हमारी मेहनत कैसी लगी, मानसा पोली क्लिनिक की टीम एंड डॉक्टर सतपाल प्रजापति जी की मेहनत कैसी लगी, ज़रूर बताएं।